हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं सभी का एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की दुनिया में। जिया स्टूडेंट्स, वी आर इन द एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, सस्य विज्ञान वाली फसलें। सभी को नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को सब्बा खैर, सभी को जय राजधानी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, दिस इज योर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। एंड लास्ट टाइम वी हैव फिनिश्ड सोरगम रे बाबा, पिछली बार हमने उसको सोरगम को कंप्लीट कर लिया था। और इस बीच आपके लंबे लंबे सिट्टे वाला बाजरा रे बाबा, तो हम लोग पढ़ेंगे बाजरे को। एक तो टाइम थोड़ा सा 7:30 वाला है करीब रहेगा, राइट है, 7:30 के करीब ही टाइम रहने वाला है। इसी टाइम पे जो है ना, अब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा 7:30 से लेकर रात को 11 बजे तक आपके साथ हूँ। और दिन में 2 क्लास दिन में हो जाएगी लगातार, हम धमाधम लेंगे और बहुत अच्छा करेंगे बेटा, बहुत शानदार करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बाजरा। नेक्स्ट क्रॉप इज योर बाजरा, मतलब टॉपिक है आजरा, आपका बाजरा, ठीक है भाई, बाजरा। और बाजरे का बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम। समटाइम यू कैन सी इट सेंक्रस सिलिरस। क्या बात कर रहे हो, हाँ सेंक्रस अमेरिकन, सिलिस नहीं सॉरी अमेरिकन। ये भाई साहब आप उड़ने वाले हैं, ले भाई उड़ा देता हूँ, फोन तो उठाओ, थोड़ा विचार ही नहीं आ रहा कि तेरे भाई अपन क्या करें अपने। हो गया, उठ गया। तो इसका बॉटनिकल नेम हो गया पेनिसेटम ग्लूकम, या से नया नाम आ गया, बाजरे का भी नया नाम आ गया, हाँ जी सेंक्रस अमेरिकेनम, बाजरे का भी, हाँ जी सेंक्रस अमेरिकेनम, बाजरे का नया नाम, हाँ जी हाँ जी। फैमिली पोएसी या ग्रेमिने, पोएसी या ग्रेमिने, सबको आता होगा भाई, बाजरा मक्का ज्वार गेहूं, ये सारे के सारे पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं, पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं। हाँ नया नाम आ गया बाजरे का, नया, हाँ हाँ बाजरे का नया नाम आ गया भाई। इसके बाद इसका पुष्पक्रम होता है स्पाइक, पुष्पक्रम होता है स्पाइक, राइट। इसके बाद में सीधा चलते हैं भैया फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस, 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 कैरियोप्सिस। तो भैया मेनू तो नाम तो पक्का आ गया, पेनिसेटम ग्लूकम, सेंक्रस अमेरिकेनस, राइट बेटा। फैमिली होगी पोएसिया ग्रेमिनी, फ्लावर हो गया पुष्पक्रम, पुष्पक्रम किसे कहते हैं, व्हाट इज द फ्लावर इन्फ्लोरेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का समूह कहलाता है तेरा पुष्पक्रम, व्हाट इज द इन्फ्लोरेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, किसको बोलते हैं भाई, पुष्पों के समूह को बोलते हैं बेटा, पुष्पों का समूह, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कहलाता है इन्फ्लोरेंस। और इसका कौन सा वाला होता है बेटा, स्पाइक, 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 मोस्ट क्वेश्चन। फल का प्रकार कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस आ गया भाई, अभी तो आया था एक का कैरियोप्सिस जेट 2020 में। क्रोमोजोम नंबर होते हैं 12 बराबर 14, 12 बराबर 14। टाइप्स ऑफ स्टेम, कल्म, कल्म प्रकार का तना, कल्म मैंने आपको बताया था भैया ग्रेमिनी फैमिली के जो खोखले, ग्रेमिनी फैमिली के जो तने होते हैं स्टेम्स आते हैं इसका। हाइपोजियल, हाइपोजियल मैंने ए लॉट ऑफ टाइम्स एक्सप्लेन सीड वाले में तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, पूरा का पूरा समझाया था कि भैया बाजरा हो या जिनके भी होते हैं उनके बीज ना जमीन में अंकुरित होते हैं, बीज जमीन में ही अंकुरित होते हैं। और अंकुरित होने के बाद में कोई भी बीज अंकुरित हो उसके अंदर दो चीज निकलने वाली है, एक निकलेगा रेडिकल जिससे बनती है रूट, एक निकलेगा रेडिकल जिससे बनती है रूट, एक निकलता ऊपर की ओर जिसको कहते हैं आप प्लूमूल, प्लूमोल या हिंदी में कहते हैं प्रांकोर, राइट भाई। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी कुछ में तो क्या होगा कि भैया ये जो इसके बीज के जो बीज बीज पत्र है कोटिलेडन, वो बीज पत्र क्या होती है प्लूमोल के साथ ही बाहर आ जाता है बीज पत्र। अगर बीज पत्र बाहर आ गया ना बेटा तब तो कहलाता है एपीजीएल, एपी, एपी मीन्स वो बना रहे, पत्ती बन रही है, पहली पत्ती बन रही है। अगर बीज पत्र या कोटिलिडन बाहर आके फिर उस वो पहली पत्ती बन रहा है, मतलब बीज पत्र बाहर आ रहा है
तब तो कहलाता है एपीजीएल। और अगर बीज पत्र अंदर ही रह रहा क्वेश्चन, अरे यार कैसे आदमी हो, आपको दिख नहीं रहा आदमी कैसे पढ़ा रहा है, कैसे पागलों की तरह लगा हुआ है। स्पोर्ट्स का कोटा मैं क्या करूं बेटा, स्पोर्ट्स के कोटे का आप डाल दो ना 900-1700, ज्यादा कोई होगी तो बता दूंगा बेटा। ऐसे मत करो यार, पढ़ाने दो इन बच्चों को, पढ़ने दो। स्पोर्ट्स कोटे से या बिना कोटे के सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। फिर भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं सोल्व कर दूंगा, मेरे नंबर बेटा बता दो इनको आप। ऐसे मत करो बेटा, डिस्टर्ब मत करो यार, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो बेटा। हो गया क्लियर? नेट इश्यू आ रहा है देखना भाई, सही चल रहा है यहां से तो ओके चल रहा है बेटा, सही चल रहा है। अब चलते हैं उत्पत्ति स्थल। बाजरा रे बाजरा, अफ्रीका से आया बाजरा। आ रही प्रोण, फिर तू मना कर रहा है, चल रहा है। देख रहे बेटा, आ गया। अरे बोलो, उसकी मोबाइल से लंबा कल पे इसके, चल रहा है बेटा, चल रहा है। एक बार पहले वाला पॉइंट में फिर समझा देता हूं। पहले वाला देखो, ये अंकुरण वाला प्रकार समझ में आ गया सभी के? बीजांकुरण जमीन में ही हो लेकिन उसका बीज पत्र बाहर आ जाए, बीजांकुरण तो जमीन में हो लेकिन बीज पत्र अगर बाहर आ जाए तब तो एपीजीएल, और बीजांकुरण जमीन में होने के बाद बीज पत्र जमीन में ही रहे, केवल प्रांकुर बाहर आ जाए तब कहलाता है हाइपोजीएल। राइट बेटा, अब चलते हैं उत्पत्ति स्थल पे। तो उत्पत्ति स्थल मानते हैं अफ्रीका। बाजरा का उत्पत्ति स्थल कहां है बेटा? अफ्रीका। और वर्त एक वैज्ञानिक थे, वर्त ने कहा कि ना बाबा ना, ये भारत में जन्मा है तेरा बाजरा। एक तो मैं आपको बता दूं ये कैसे मानते हैं, किसी भी फसल का उत्पत्ति स्थल उसकी सर्वाधिक जंगली जातियां जहां मिलती है, सर्वाधिक जंगली जातियां जहां मिलती है, सर्वाधिक जंगली जातियां जहां मिलती है, सर्वाधिक जंगली जातियां जहां मिलती है वहां पर माना जाता है। कहां पर माना जाता है? जहां पर सबसे ज्यादा जंगली जातियां पाई जाती है, सर्वाधिक जंगली जातियां जहां पाई जाती है उसी को मानते हैं उसका उत्पत्ति स्थल। इज इट क्लियर? तो एक ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं अफ्रीका का है बाजरा, ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं अफ्रीका का है बाजरा, लेकिन वर्त कहता ना रे बाबा ना, भारत का है बाजरा। इसका एक इंस्टीट्यूट है जो मैंने ऑलरेडी वाले पहले वाले ज्वार में भी लिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, भारतीय मिलेट, मिलेट क्या होती है? बाजरा ज्वार मक्का ये वाली है ना, मिलेट अनुसंधान संस्थान, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बेटा, पहले इसका नाम था ज्वार अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, अब इसका नाम हो गया है IIMR। नए बच्चों नया नाम बदला, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। पहले इसका नाम था डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, अभी बन गया ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। राइट है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP ऑन पर्ल मिलेट। भाई बाजरे को अंग्रेजी में बेटा पर्ल मिलेट कहते हैं, बाजरे को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट कहते हैं, और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट AICRP ऑन पर्ल मिलेट, ज्यादातर फसलों पर यह कार्यक्रम चल रहा है बेटा, AICRP चल रहा है। AICRP का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये किसके ऊपर है? पर्ल मिलेट पे, बाजरे के ऊपर। ये चला था 1965 में। राइट है भाई, उसके बाद में गरीब आदमी का भोजन होता है तेरा बाजरा, इसको गरीब मनुष्य का भोजन भी कहते हैं बेटा। खेती इसकी दाना के लिए भी करते हैं, दाना भी ले लेते हैं, और चारे के लिए भी करते हैं भाई, पशुओं के चारे के लिए भी करते हैं। तो गरीब आदमी का भोजन हो गया तेरा बाजरा, खेती दाना और चारा दोनों के लिए करते हैं। धान्य फसलों में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, धान्य फसलों में बोले तो सीरियल क्रॉप्स में,
और मिलेट्स में, मिलेट्स में कौन कौन आ गए, बाजरा ज्वार मक्का, इन सब में सबसे ज्यादा सूखा सहन करता है तेरा बाजरा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि जितनी भी धान्य फसलें अनाज वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा सूखा सहन करता है कौन, बाजरा। तो जितनी भी धान्य फसलें हैं, सीरियल क्रॉप्स है, उनमें सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाला कौन, बाजरा। राइट है भाई, C4 प्लांट होता है तेरा बाजरा और प्रोटोगाइनी फसल होता है तेरा बाजरा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स किसे कहते हैं, C4 प्लांट्स बेटा उन प्लांट्स को कहते हैं C4 जिनमें प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट बेटा इसके सोरगम बाद में आएगा। बाजरा सबसे ज्यादा सूखा सहन कर सकता है, ज्वार से भी ज्यादा, अंडरलाइन कर लेना बेटा। तो C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पहला जो प्रकाशन का पहला प्रोडक्ट बनता है वो OAA बनता है, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। और ये OAA ऑक्जेलो एसिडिक कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं C4 चक्र। जो ये चक्र होता है ना, इसको बोलते हैं C4 चक्र, और जिन पौधों में होता है उसको बोलते हैं C4 प्लांट। राइट है भाई, C4 चक्र की खोज हुई थी गन्ने में। C4 चक्र गन्ना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, खोजने वाले कौन थे, हैच व स्लेक। C4 चक्र खोजने वाले कौन थे, हैच व स्लेक। तो गन्ने में खोज हो गई। मक्का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसका, C4 मक्का, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। राइट बेटा, तो मक्का हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, ये होते हैं सारे के सारे C4 प्लांट्स, सारे के सारे होते हैं C4 प्लांट्स। तो मक्का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटोगाइनी क्या होता है भाई, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है जिसके मादा जननांग पहले पकते हो। प्रोटो पहले। प्रोटो क्या होता है बेटा, प्रोटो शब्द का मतलब ही क्या होता है, पहले। और गाइनी क्या होता है बेटा, गाइनोसियम जायांग मादा जननांग। तो गाइनोसियम जिसके पहले पकता हो, मादा जननांग जिसका पहले पकता हो, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। मादा जननांग जिसके पहले पकते हैं उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। नाम में पता लग रहा है, प्रोटो पहले, गाइनोसियम मादा जननांग। तो ये बाजरा होता है आपका, मादा जननांग पहले पक जाते हैं, फीमेल पार्ट पहले पक जाता है, मेल पार्ट बाद में पकता है। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोर्स सीरियल का ये राजा है, बाजे से नो पत बाजा, ये कोर्स सीरियल का राजा। मोटे दाने वाले जो खाद्यान्न होते हैं, कोर्स सीरियल होते हैं, उनका ये राजा है बेटा, किंग ऑफ द कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल कौन कौन से पौधे आते हैं, जिनको ये क्या है कि ज्यादा क्वालिटेटिवली अच्छे नहीं होते बेटा, क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया नहीं होते। कोर्स सीरियल में कौन कौन आते हैं, एक तो तुआडा बाजरा आ गया, एक मक्का आ गई है ना, एक ज्वार आ गया, एक रागी फसल आती है रागी, एक चीका आती है, चीना भी कहते हैं इसको, चीका भी कहते हैं चीना, एक कोडो आता है, एक मंडुआ आती है, इन सबको कहते हैं मोटे अनाज। ठीक है बेटा, इन सबको क्या बोलते हैं, मोटे अनाज ही। तो ये मोटे, इन सबका राजा है तेरा बाजरा, मोटे अनाजों का राजा, किंग ऑफ द कॉर्स सीरियल। अब चलते हैं दानों में नमी कितनी होती है, फास्फोरस कितनी, ये बात करते हैं। तो एक तो वसा अच्छी वाली होती है बेटा, इसे वसा, बाजरे में फेट होती है, फेट, हाँ 5% फेट होती है बाजरे में, तो घी तेल, हाँ फेट होती है 5%। इसके अलावा फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, फास्फोरस मस्त होता है भाई,
राइट। इसके बाद खनिज लवण, मिनरल्स, मिनरल्स में फॉस्फोरस जैसे आ ही गया ना आपका, अच्छा होते मस्त होता है। अब कितना कितना होता है, तो नमी होती है दानों के अंदर, बाजरे के दाने लेने का उसमें नमी मिलेगी 5%, 12% नमी, नमी 12%, नमी नमी 12%। प्रोटीन मिलेगी 11.5, प्रोटीन कितनी मिलेगी बेटा 11.5%। कार्बोहाइड्रेट मिलता है 67%, क्या बात कर, हाँ कार्बोहाइड्रेट ये है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा। वसा मिलती है 5% और खनिज लवण मिलते हैं बेटा 2.7%, बहुत मोस्ट है। नमी मिलेगी 12, प्रोटीन मिलेगी 11.5, कार्बोहाइड्रेट 67, फैट मिलेगी 5 और मिनरल्स मिलेंगे 2.7। याद, किस वैज्ञानिक ने इसको लाइन में बोने की तकनीक दी, आरसी गौतम साहब ने कहा भैया लाइनों में बो बाजरा अच्छा रहते। परीक्षण बार 2021 के जेट के क्वेश्चन में पूछा गया है, बाजरे का टेस्ट वेट 1000 दानों के वजन को कहते हैं टेस्ट वेट, और बाजरे का टेस्ट वेट होता है 5 से 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजरे का टेस्ट वेट 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम तक होता है। अगर 5 और 7 दोनों आ जाए तो उत्तर होता है 5। पहले वाला, विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है तेरा भारत, बधाई हो आपको, भारत भारत मारो भारत भारत, सबसे ज्यादा बाजरा भारत, ओए भारत भारत मारो भारत भारत, सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है तेरा भारत। नंबर 2 पे चाइना, 3 नंबर पे सुडान, 4 नंबर पे पाकिस्तान। भारत में राजस्थान ऑन द टॉप, राजस्थान महाराष्ट्र में कंपटीशन चलता है, बट रिसेंटली राजस्थान ऑन द टॉप, महाराष्ट्र ऑन द सेकेंड। दो ऐसे स्टेट है जहां पर बाजरा ही नहीं बोते, पश्चिम बंगाल में बाजरा नहीं, ओडिशा में बाजरा नहीं, वेस्ट बंगाल में बाजरा नहीं, ओडिशा में बाजरा नहीं, वेस्ट बंगाल में बाजरा नहीं। भारत में राजस्थान, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर हरियाणा आ गया, फिर आ गया गुजरात और मध्य प्रदेश, लेकिन वेस्ट बंगाल में बाजरा नहीं, ओडिशा में बाजरा नहीं, वेस्ट बंगाल में बाजरा नहीं, ओडिशा में बाजरा नहीं, राइट। इसके बाद आ गई बाजरा और मक्का की दोनों की जड़ों के प्रकार, इसको मक्का में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था बेटा, मक्का में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था मैंने, समझाया था, फिर भी मैं और समझा देता हूं। सबसे पहले आ रही है सेमिनल रूट्स, सेमिनल रूट कौन सी होती है, मैं आपको सारी की सारी एक साथ समझा देता हूं, ये कोई बाजरा है या मक्का है, तो जो मेन रूट होती है ना, मेन जो मूलांकुर से बनती है, देखो आपका ये कोई, इसको यूं समझना, ये कोई बाजरे का बीज है, उससे ये मूलांकुर निकल गया जो आगे चले क्या बनेगा, जड़ बन जाएगा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल, हिंदी में कहते हैं मूलांकुर, ठीक है भाई, और ये ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं परांकुर, अभी जस्ट ही मैंने बताया था आपको प्लूमूल, तो प्लूमूल का तो वैसे भी यहां कोई रोल ही नहीं है, प्लूमूल तो वैसे भी रोल ही नहीं है प्लूमूल का, तो एक बात। दूसरा, अब ये मूलांकुर क्या है, ये मेन जड़ यही बढ़ाएगा, तो इससे जो सीधी इसकी जड़ें निकलेगी ना, ऐसे वाली इससे जो निकलती है, अरे भैया आंसर दो प्लीज, क्लास चल रही है आपका, आपको पढ़ाई का आंसर होगा मैं दे दूंगा, अदरवाइज आप उठ जाएंगे बेटा यहां से, फोकस ऑन द स्टडी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दो। तो ये बेटा रेडिकल या मूलांकुर जो मेन जड़े बनती है ना, इनको कहते हैं सेमिनल रूट, सेमिनल रूट, सेमिनल रूट हमेशा मूलांकुर से विकसित होती है, एक बात, लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि यही मेन जड़े हैं, तो लंबे समय तक ये बनी रहती है क्योंकि यही मेजर रूट है इसकी, मेन जड़े यही है, और यही न्यूट्रिशन ले लेके पौधे को देती रहती है। तीन ही लाइन है, मूलांकुर से विकसित होवे, मूलांकुर से विकसित होवे, क्योंकि यही मेन जड़े, इसलिए लंबे समय तक बनी रहती है, जब तक पौधा है तब तक ये जड़े रहेगी, बाकी जड़े हटती चली जाएंगी एक्स्ट्रा, लेकिन ये मेन जड़े है और यही न्यूट्रिशन लेती है बेटा जमीन में से, ऐसे नहीं रेशेदार नहीं है बाबा, ये मेन जड़े हैं,
मुख्य जड़े। इसके बाद दो नंबर पे आती है क्राउन रूट्स। क्राउन रूट क्या होगी, ये भूमिगत तने की नीचे वाली पर्व संधियों पे, मान लो ये जमीन में कोई तना ही है, ये तना ना थोड़ा जमीन, ये जमीन आ गई तो यहां पर जो तना जमीन के अंदर रह गया उसकी संधियों से निकलेगी, पर्व संधि से। मान लो ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है बेटा, इससे निकलेगी। जमीन के अंदर जो तना है ना, जमीन के अंदर वाला, इसके अंदर कोई पर्व संधि नहीं होती, ऐसी पर्व संधि पौधों में होती हूं, तो ये वाली जो जमीन के अंदर वाला जो तना रहेगा ना, भूमिगत तना, उसके पर्व संधियों से निकलेगी बेटा, है ना, नोड से निकलेगी, तो यहां से निकलेगी जड़े, यूं निकलेगी, ठीक है, यहां से निकलेगी। कौन सी वाली, क्राउन रूट, दो नंबर वाली क्राउन रूट बता रहा हूं मैं, इसका तो समझ में आ गया होगा। रेडिकल से निकलने वाली है, लंबे समय तक बनी रहने वाली है, सेमिनल जड़े, और ये इसकी मुख्य जड़े, ये न्यूट्रिशन लेती है बेटा। उसके बाद अगर जमीन में कोई पर्व संधि है उससे निकलने वाली जड़े, रेशेदार टाइप की सी होती है ना, रेशेदार होती है, एक्टिव होती है भी, ये भी एक्टिव और अच्छी जड़े होती है, लेकिन मेन जड़े नहीं है, तो ये भूमिगत तने में जहां भी पर्व संधि है उससे निकल जाएगी, ऐसे जहां मान लो यहां पर्व संधि, यहां से निकल जाएगी, इनको बोलते हैं क्राउन रूट। क्या बोलते हैं इनको, क्राउन रूट। एक्टिव जड़े होती है भी, एक्टिव होती है, रेशेदार टाइप की होती है ना, रेशा सा निकलता है, और नर्सरी अवस्था में निकलती है बेटा, छोटे पौधे में निकलती है, जमीन के अंदर वाले तने की पर्व संधि से, इतना इसके बारे में। और एक होती है प्रॉप रूट्स, वो भैया बाहर से निकलेगी, जमीन के ऊपर वाला जो भाग है वहां से निकलेगी, वो तने को सहारा देने के लिए आती है, यहां से निकलती हूं, ऐसे निकलती है बाहर से। प्रॉप रूट्स क्या होती है, तने को सहारा देने के लिए निकलती है, तने के नीचे नीचे की दो तीन पर्व संधियों से निकलती है, कई बार दो से निकलती है, कई बार तीन से निकलती है, मैंने डायग्राम डाल रखा है मक्का वाली फसल में, अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है बेटा। और ये थोड़ी सी साइडों में चलेगी, फिर उसके बाद जमीन में आ जाएगी, और उसको जैसे अपन टेंट में लगाते हैं ना, टेंट, हाँ मक्का वाले पार्ट में डायग्राम, इसके टेंट में अपन लगाते हैं ना, रस्सी लगा के पाइप को रोकते हैं, वैसे प्रॉप रूट साइडों में से निकल के तने को, हाँ बाहर से निकलेगी, जमीन के ऊपर जो दो तीन पर्व संधियां है, दो से भी निकल सकती है, कई बार तीन से भी निकल सकती है, और इनका काम है केवल सहारा देना, और ये भी गहराई तक जाती है, 60 सेंटीमीटर तक वृद्धि करती है, 60 सेंटीमीटर, ये साइड वाली है ना, ऊपर वाली, ये भी नीचे तक जाती है जमीन के अंदर, समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाँ, बाजरे को गिरने से रोकती है। तो इसका मैंने पहले मक्का वाले में बहुत डिटेल एग्जाम उसी समय समझाया था, चित्र सहित, यहां पर डायरेक्ट ही आ गई है, मूलांकुर से विकसित होती है, लंबे समय तक बनी रहती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्राउन जड़े ये भैया, हाँ प्रभावी होती है, सक्रिय होती है, लेकिन रेसे रेसे सी होती है, निकलती कहां से है, नर्सरी अवस्था में भूमिगत तने से, जमीन के अंदर जो तना रह गया ना उसकी पर्व संधियों से निकलती है। अब आ जाओ प्रॉप कह दो, चाहे उनको ब्रास जड़े कह दो, चाहे एरियल रूट कह दो। एरियल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हवा से ऊपर से निकलती है, हवा में निकलती है ना, जमीन के ऊपर का मतलब हवादार भाग से निकलती है, तो एरियल रूट्स भी कहते हैं। ये तने को सहारा देने के लिए निकलती है, जमीन के पास की दो तीन पर्व संधियों से निकलती है, और हाँ मृदा में पार्श्व में जाती है, साइडों में जाके मिट्टी में 60 सेंटीमीटर गहराई तक वृद्धि कर जाती है। कोई बच्चा ऐसा है इसको ये मस्त समझ में आ गया हो, मतलब कभी जिंदगी में वो कभी पूछ लो उनको सेमिनल, क्राउन या प्रोप या ब्रास, कभी जवाब गलत नहीं देंगे, ऐसा कोई बच्चा आप में से हो तो बेटा लिख देना कि मेरे को इतनी समझ में आ गई सर, कभी पूछ लेना आप सारी की सारी, ऐसा बनना पड़ेगा आपको, अदरवाइज समय जा रहा है, एक महीने से भी कम टाइम रह गया, आप तो आ गई, मतलब मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको, चलो मैं आगे वाले लेके कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे एग्जाम में कभी ऐसे आ जाए कि स्थाई जड़े कौन सी है या लंबे समय तक रहने वाली जड़े कौन सी है, उसका क्या उत्तर दोगे, उसका क्या उत्तर दोगे बता दो, तब तक मैं आगे वाला ले लेता हूं, जलवायु ले लेता हूं। जलवायु भैया इसको गर्म मौसम चाहिए, गर्म गर्म, हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, बहुत अच्छे बच्चे हो। सेमिनल रूट, मेरा क्वेश्चन नंबर टू है कि न्यूट्रिशन लेने वाले जड़े कौन सी है, अरे क्राउन नहीं आएगी, क्राउन इसका मतलब समझ में नहीं आया आपके, न्यूट्रिशन लेने वाली, न्यूट्रिशन, दूसरा क्वेश्चन, गर्म मौसम लेकिन जब वृद्धि हो रही है ना बेटा तब इसको नमी चाहिए, है ना, हाँ नमी, वृद्धि के टाइम तो नमी, और बाकी चाहिए इसको सूखा मौसम, उसका भी सेमिनल आएगा, सही जवाब है, ठीक है बेटा, थैंक यू।
वृद्धि के टाइम तो नम चाहिए, बाकी चाहिए सूखा मौसम। वृद्धि के टाइम तो नम चाहिए, बाकी चाहिए सूखा मौसम। सूखा मौसम, अगर वृद्धि के बाद जब पक रहा है ना बाजरा और उस समय बरसात होकर नमी हो गई, फिर तो भैया अरगट लग जाएगा, रोग और कीट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जिस समय ये वृद्धि कर रहा है ना, बढ़ रहा है, उस समय तो नमी चाहिए, नमी चाहिए, नमी चाहिए, नमी चाहिए। राइट है, हो गया। बस जिस समय वृद्धि कर रहा है उस समय तो नमी चाहिए, नमी चाहिए। लेकिन जब वृद्धि पूरी होके बीज वो आनी शुरू हो गई, मतलब बाली आनी शुरू हो गई ना, मतलब जनन शुरू कर दिया, तो उसको सूखा मौसम चाहिए, सूखा मौसम चाहिए, सूखा मौसम चाहिए। अगला है, जब वृद्धि है तो नमी चाहिए, नमी चाहिए, नमी चाहिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। वार्षिक वर्षा इसको 40 से 60 सेंटीमीटर चाहिए, 40 से 60 सेंटीमीटर चाहिए। अरे बेटा कोर्स बेचते ही नहीं हम तो, ठीक है, फ्री पढ़ाते बेटा, सारा कोर्स पढ़ा ऐसे। फसल की वृद्धि के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30। इसको पानी भरना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वृद्धि करा लो बाजरा के 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, बाजरे की वृद्धि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी भरना इसको बिल्कुल पसंद नहीं, बाजरे को पानी बिल्कुल पसंद नहीं बेटा, भरना नहीं चाहिए खेत में। अम्लीय मृदा इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, हेट बाजरा, हेट पर्ल मिलेट, हेट एसिडिक सॉइल। राइट, उसके बाद आ जाओ सॉइल, दोमट मृदा चाहिए, दोमट मृदा चाहिए, 7.5 से 8 पीएच, 7.5 से 8 पीएच, 7.5 से 8 पीएच चाहिए इसको। मुझे किस में बता दो, ये रही किस में, पूसा मोती बाजरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूसा मोती बाजरा, पूसा ए मोती मानस, वो एक नंबर उस कर दे, वो मैसेज कर दे, जो नंबर अपने आप जिनको पर्सनल क्वेश्चन हो वो नंबर पे पूछ ले बेटा, वो मैसेज लिंक कर दे। पूसा मोती आईसीआर से निकली सबसे पुरानी किस्म है, सबसे पुरानी पूसा मोती। टिप्ट 23 है, ये भी बाजरे की पहली, बाजरे की पहली मेल स्टेराइल लाइन है, नर बंधे लाइन है बेटा, लाइन पौधे को ही बोलते भाई। HB1 बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाली थी लुधियाना से, PAU लुधियाना ने निकाली थी पहली, है ना बेटा, पहली हाइब्रिड है। और इसमें कौन सा जीन लिया गया था, कौन सी किस्म ली गई थी, टिप्ट 23A का जीन लिया गया था, उसको इस जीन क्या किस्म ली गई थी, और इसको BIL3B के साथ क्रॉस कराया गया था बेटा। भाई मेरे को ना सारी आती है, आपको भी आना चाहिए। पूसा मोती बाजरा, टिप्ट 23A बाजरा, टिप्ट 23A का क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट मेल स्टेराइल प्लांट या लाइन। HB1 का भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है, PAU लुधियाना से निकाला, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से आई, टिप्ट 23A को क्रॉस कराया गया था BIL3B से, और तब जाके कोई पहली हाइब्रिड निकल के आई थी HB1। पूसा 444, पूसा 605, पूसा सफेद, और लास्ट आ गई नंदी 32। लास्ट नहीं है, अभी बची हुई है, हो गया। बहुत वेराइटी है बेटा, मेल स्टेराइल बता दो, मेल स्टेराइल क्या होता है, नर बंदे। अरे ऐसी किस्में जिसमें नर परागण देने में समर्थ नहीं है, उसके परागण से निषेचन नहीं होता, वो नर बंदे कहलाते हैं, मेल स्टेराइल। तो पूसा मोती बाजरा, टिप्ट 23A बाजरा, HB1B बाजरा, PHB10B बाजरा, पूसा 444 बाजरा, हो गया, पूसा 605 बाजरा, पूसा सफेद बाजरा, नंदी 32 बाजरा आ गई, GHB558 बाजरा, GHB558, PAC903 बाजरा, RCB2 बहुत अच्छी वैरायटी है, राजस्थान से निकली हुई है, SKRU बीकानेर से, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से निकली हुई है, RCB2 बाजरा, WCC75 बाजरा, बहुत अच्छी वैरायटी है, WCC75 बाजरा, HHB60 बाजरा,
HHB60 बाजरा अच्छी किस्म है, फिर HHB67 बाजरा MH169 बाजरा। MH169 का दूसरा नाम होता है MBH118, ठीक है बेटा, MH169 का दूसरा नाम होता है MBH118 याद है, ओ सॉरी MH169 का पूसा 23 हो गया, MH36 का MBH118। दोबारा देखो GHB558 PAC903 बाजरा, RCB2 बाजरा, WCC75 बाजरा, HHB60 बाजरा, MH169 बाजरा, राइट, MH36 बाजरा, RHB30 बाजरा, नहीं आ रही, ले MH179 बाजरा, ये भी अच्छी वैरायटी है, RHB30 बाजरा और RHB58 भी बाजरा। दोबारा देख लो GHB558 बाजरा, PAC903 बाजरा, RCB2 तो बाजरा, WCC75 बाजरा, HHB60 बाजरा, HHB67 बाजरा, MH169 बाजरा, MH36 बाजरा, सब वैरायटी अच्छी है। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अगर आप लगाना चाहते हो तो 2, 3, 4, ये तो HHB वाली बहुत अच्छी होती है, MH169, MH1, ये सारी अगर आप लगाना चाहो ना भाई, हाँ मुझे सारी नहीं करनी, 1, 2, 3, 4, 5 इसको चाहिए इसको रहने देना, ये लेना और RHB30 आप लगाने के शौकीन हो तो हो गया, नहीं हो तो आपकी इच्छा है। RHB90 बाजरा, RHB90, RHB121, आर राजस्थान हाइब्रिड हो गए, RHB154 ICMS 356, ICMS 356 सही, RAJ 171 बाजरा जिसका दूसरा नाम है MS320, JBV2 बाजरा, CDP98 02 02, CM46 बाजरा, ICTP 8203, ICTP 8203, BJ 104 बाजरा, BJ 104, HS1 बाजरा, RHB 90, RHB 121, RHB 154, ICMS 356, RAJ 171 हो गया, ICMH 356, RAJ 171, RAJ 171, JBV 2, CDP 9802, CM 46, ICTP 8203, BJ 104, HS1। ये सीधी सीधी तो होगी लेकिन रबी के लिए, साउथ इंडिया में रबी के लिए रबी में बाजरा बोलते, क्या बात कर रहे हो, रबी में बाजरा, हाँ रबी में, हाँ हाँ, फुल नाम क्या है बेटे, फुल नाम की जरूरत नहीं होती इनमें, किस्मों के फुल नाम नहीं होते कभी, किस्मों के फुल नाम होते मतलब किसी एक दो के नाम है तो भी जरूरत नहीं है, किस्मों के फुल नाम अपने बच्चों के नाम से निकाल देते साइंटिस्ट, किसी के बच्चे का नाम है पंकज कुमार तो उसने निकाल दिया PK42, तो पंकज कुमार याद करने की जरूरत नहीं बेटा, आपको PK42 याद करना है, ये इसके कोई आधार नहीं होता, इसलिए कभी फुल नाम इनके याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना करने हैं, ना किसी ने किए ना करने हैं, क्योंकि फुल नाम होता ही नहीं है, ये वैरायटीज का फुल नाम नहीं होता बेटा। अब आ जाओ रबी, अनंता रबी वाला बाजरा, GHB5 और रबी में बाजरा, देखो आप क्या जमाना आ गया, GHB 526, सबूरी, कहीं का खाबा की सबूरी को नहीं भाई, तो सबूरी, नंदी 32 बाजरा, नंदी 35 बाजरा और GK 1004, तो साउथ के कुछ क्षेत्रों में उगता है जहाँ पे सर्दियों में भी गर्मी रहती है तो उनके रबी में बाजरा बो देते हैं, सबूरी, हाँ हाँ सबूरी, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, मतलब जैसा होता है वैसा ही होता है बेटा, सबका मार्केट में बीज मिलता है, जो सबसे अच्छी वैरायटी सबका मिलता है, चारे वाली प्रो एग्रो नंबर 1, प्रो एग्रो नंबर 1,
अविका बाजरा चरे हो गया, वैरायटी पूरी हो गई। अब है नेपियर घास, ठीक बेटा, नेपियर घास चारे वाली किस्म आती है पूसा नेपियर। पूसा नेपियर वन का विकास करने के लिए, पूसा नेपियर ए का विकास करने के लिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था, किस किसके बीच में, पेनिसेटम परपूरियम में और पेनिसेटम ग्लूकम में। ये जो नेपियर घास है ना, चारे वाली यू कह सकते हैं आप, चारे वाली एक बाजरा ही कह सकते हैं, चारे वाला बाजरा है, पूसा नेपियर वन के नाम से आता है। और इसको दो का क्रॉस कराया गया था, किस किसके क्रॉस से बनी थी, एक तो पेनिसेटम परपूरियम, पेनिसेटम परपूरियम क्रॉस पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम। अब बताओ इसका ये क्या हो गया, वंश। पहला नाम वंश का होता है जीनस का, दूसरा नाम किसका होता है बेटा, जाति का। इसमें भी पहला नाम वंश का, दूसरा नाम किसका हो गया, जाति का। तो जातियां अलग अलग है भाई, जातियां अलग अलग है। अब जातियां किसी की अलग अलग होती है ना, तो उसके लिए उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटा। इंटर यानी अलग अलग, और इंटर आ जाए तो सेम, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और जाति अगर सेम होती, मान लो ये भी पेनिसेटम परपूरियम, वो भी पेनिसेटम परपूरियम होता, तो फिर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट के लिए इंटर वर्ड आता है, इंटर। तो ये क्रॉस कौन सा है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अंतर जातीय संकरण। तो ये दोनों, ये नेपियर घास जो बनाई गई है ना बेटा, ये चारे वाली एक वेराइटी है पूसा नेपियर वन, वो नेपियर घास की तरह हो गई, वो इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉस कराया था, अलग अलग जातियों से क्रॉस कराया था। पहली जाति कौन सी थी, पेनिसेटम परपूरियम, तो ये जाति परपूरियम हो गई, और दूसरी थी पेनिसेटम ग्लूकम। इन दोनों का क्रॉस करा के पूसा नेपियर वन को निकाला गया था 1974 में। बीज दर, इंट्रा बोले तो सेम छे, यस, इंटर बोले तो अलग अलग हो गया। अब आ जाओ बीज दर, बीज दर, बीज दर भैया वेरी इंपॉर्टेंट होती है बाजरे की। बच्चे याद ही कैसे करते हैं, बाजरे की बीज दर 4 किलोग्राम, राइट है। बाजरे की बीज दर 4 किलोग्राम, बाजरे की बीज दर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे होंगे, स्पेशली राजस्थान के कंपटीशन में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, बहुत मिल जाएगा। बाजरे की बीज दर 4 किलोग्राम, चारा 10 से 12, चारा 10 से 12, चारा 10 से 12। लेकिन कोई पौध तैयार करे बाजरे की, पौध नर्सरी लगाए बाजरे की, तो सिर्फ 2 किलो ही आएगी, नर्सरी 2 किलो रह, नर्सरी 2 किलो, मतलब नर्सरी में तो आधी हो गई। 1 हेक्टर कभी नर्सरी तैयार करनी पड़े ना आपको, तो 1 हेक्टर के लिए आपको करनी पड़ेगी 500 से 600 मीटर स्क्वायर। क्या बात कर रहा हूं, हाँ, 500 से 600 मीटर स्क्वायर। तो कितना भाई, कितना हो गया, कितना, कितने के लिए कितना भाग तैयार करते हैं, ऊपर लिख दो 500 बटा 10,000 वर्ग मीटर होते हैं ना 1 हेक्टर में, 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो, 1/20 भाग। जितना एरिया बो रहे हो ना, उसका 20वां भाग आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि 1 बीघा की नर्सरी का जो बाजरा है वो 20 बीघा तक काम आ जाएगा। 20 बीघा के लिए 1 बीघा करनी पड़ेगी आपको, 40 बीघा के लिए 2 बीघा करनी पड़ेगी, हो गया क्लियर। चलिए बेटा उसके बाद है, हाँ, नर्सरी तैयार कितने दिन में करोगे, 20 से 25 दिनों में। नर्सरी या पौध तैयार कितने दिन में हो जाएगी, 20 से 25 दिनों में। कहाँ तैयार करते हैं,
जो बढ़िया करते हैं वो करते हैं, ठीक है बेटा, जो करते हैं वो करते हैं। डाटा मिस्टेक एक तो मैंने बता दिया था आपको भाई, जो एक डाटा मिस्टेक है, नहीं बेटा आप क्या गलत जगह डाटा पढ़ रहे हो, नहीं है, केवल एक जरूर, वो गाय वाला मैंने कहा था भाई, हो गया वो गलती से रह गया। गाय वाले में क्या हुआ, गाय बीकानेर में ज्यादा है और वो अभी हो गया हमारा, वो पीछे वाला उदयपुर रह गया, बाकी नहीं मिलेंगे। आप भेज देना मेरे को व्हाट्सएप कर देना कौन से मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप जहां से मिला रहे हो वो कोई भगवान ने लिखी हुई किताबें, ठीक है बेटा, भेज देना आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, करेक्शन होगा तो और देख लूंगा मैं। एक एक लाइन बहुत बारीकी से चेक की हुई है, एक आधी कोई छोटी मोटी वो है, बाकी तो सबसे कम, हिंदुस्तान की सबसे कम गलतियों वाली किताब बेटा, ऑन द टॉप चल रही है इस समय, सबसे कम गलतियां, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लाइन है बेटा, सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, एकदम परफेक्ट इस समय तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, एक वो दूध का डाटा नया आ गया, दूध का आंकड़ा नया आ गया बेटा, भारत में का दूध उत्पादन है ना वो 198.5 केजी हो गया है, तो हमने उसमें लिख रखा है, साल लिख रखी है पिछले साल की, एक दूध का नया डाटा आ गया बस 198, बाकी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, किसी से भिड़ जाना चाहिए आप तो, ठीक है बेटा, भिड़ जाना किसी से। सबसे कम गलतियों वाली हिंदुस्तान की, इस समय तो तूफान मचा रखा है, तुम्हें नहीं पता, आग लगा रखी पूरे इंडिया में, आग लगा रखी पूरे इंडिया में कसम से। नर्सरी की क्यारी का आकार क्या रखते हैं बेटा, 10x1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, और 10x1 की 50 क्यारियां बनाएंगे, 50 क्यारियां कैसे बताएंगे, 10x1 तो 10 × 1 बराबर 10 मीटर स्क्वायर, इसकी क्यारियां कितनी बढ़ाओगे, 50, कितना एरिया हो गया 500 मीटर स्क्वायर, तो यही तो चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर तो चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर ही चाहिए, 500 मीटर स्क्वायर ही चाहिए, हो गया ना अपने आप ही, 10x1 की 50 क्यारियां, 500 वर्ग मीटर चाहिए बेटा। चल बेटा आगे बढ़ जाते हैं, बीजोपचार, बीजोपचार में सबसे पहले अर्गट से बचाओ, अर्गट रे मारा 20% नमक घोल रे, अर्गट रे मारा 20% नमक घोल रे, अर्गट रे मारा, हाँ 10x1 की होगी ना 50 कैरी, 500 वर्ग मीटर हो गया, सीधा सवाल है। अर्गट का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है कि कौन से बीज को, कौन से रोग से ना फसल को बचाने के लिए 20% नमक के घोल में डुबोते हैं, तो इसको गाने गाना गाते हैं बच्चे हमारे यहाँ, ऑफलाइन वाले तो गाना ही गा के, पूरी किताब ही गाने गा के याद कर रखी है सबने, पूरी पूरी बेटा सब ऑथेंटिक है, 420 का पनीर का एकदम परफेक्ट मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा, एकदम परफेक्ट, दूसरी में गलत निकाल देना किसी में, एकदम मस्त है बेटा, सबसे ऑथेंटिक में लिया हुआ है, कोई पनीर हो चाहे पनीर हो कहीं गलती नहीं है, वो ही गलत है जहां से आप देख रहे हो। गूंदिया या चेपा, ये क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस कवक से होता है, आगे पढ़ेंगे हम इसको, और इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, नमक के 20% घोल में डुबोते हैं, तो याद ही कैसे करते हैं, अर्घट रहे हमारा 20% नमक घोल रहे, अर्घट रहे हमारा 20% नमक घोल रहे। सारी और लवणीय मृदाओं में बोना हो तो 1% सोडियम सल्फेट, ये भी एग्जाम में आ गया, वो भी क्वेश्चन, हाँ अगर आपको बाजरे को लवणीय क्षारीय मतलब खारी मिट्टी में बोना है, क्षारीय मिट्टी में बोना है, तो 1% सोडियम सल्फेट, अर्घट रहे हमारा 20% नमक घोल रहे, लवणीय क्षारीय, लवणीय क्षारीय 1% सोडियम सल्फेट रहे, लवणीय क्षारीय 1% सोडियम सल्फेट 12 घंटे तक भिगोएंगे। अब लेते हैं बुआई का समय एवं विधि, बुआई का समय विधि, अभी लेंगे बेटा सारे के सारे लेंगे, बुआई का समय विधि, तो बुआई करते हैं जून की पहली बरसात के साथ, R × P रखते हैं 40 से 45, तो R × R रखते हैं 40 से 45, तो R × R, और 15 सेंटीमीटर रखते हैं P × P, दोबारा देखना, 40 से 45 तो R × R, और 15 रखते हैं P × P, तो इससे मैंने पौधों
पौधों की संख्या निकालने का तरीका भी बताया था, पौधों की संख्या निकालने का तरीका भी बताया था। किसी को आता है क्या? नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। आता है? ऊपर क्या लिखते बताओ? पौधों की संख्या बराबर, ऊपर लिखते हैं क्षेत्रफल, ऊपर क्या लिखते हैं? उन्ना टाणु पौधों की संख्या। पौधों की संख्या वो क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर में, नीचे हो जाएगा आर इंटू पी। आर बोले तो कतार से कतार की दूरी मीटर, पी बोले तो पौधे से पौधे की दूरी मीटर, दोनों मीटर में। ऊपर कितना हो गया? 10,000। भाई वर्ग मीटर में लाना है ना एरिया, एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 100 मीटर। देखो एक हेक्टर बहुत इजी नाप होती है, 100 मीटर इधर नाप लेने का, 100 मीटर इधर नाप लेने का, हो गया एक हेक्टर। तो एरिया कितना हो जाएगा 100 मीटर बाय 100 मीटर का? एक हेक्टर होता है इसके, एक हेक्टर दुनिया की सबसे इजी नाप होती है। 100 मीटर ऐसे पकड़ के नाप लो, 100 मीटर ऐसे पकड़ के नाप लो, राइट बेटा? तो ये कितना हो गया? 10,000 वर्ग मीटर हो गया। तो 10,000 एक हेक्टर में वर्ग मीटर हो गए। आर कितना है? तो 45 ले लो, 40 सेंटीमीटर में, लेकिन ये आएगा किसमें? मीटर में। तो 40/100 × 15/100, 100 को 100 को ऊपर ले जाओ, बस सूत्र से निकल जाना है, निकल जाना है भाई। बीज की गहराई भी बाजरे में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सेंटीमीटर रखते गहराई। कितना बोऊं मैं गहरा बाजरा? 2 से 3 सेंटीमीटर। अच्छा कितना निकल के आएगा? चलो निकालो, निकालो देखिए कितना निकल के आएगा। किसी बच्चे ने निकाला? ऊपर तो आपने लिख दिया एरिया, तो 10,000 आ गया। नीचे 45 40 ले लो, 45 ले लो, कोई बात नहीं, कोई सा भी ले, 40 45 है ना, 15/100। इन 100 100 को ऊपर ले जाओ यहां से, तो ये × 100 × 100 ऐसे हो जाएगा। निकालो कितने आ रही थी? आ रहा है? चलो बेटा, तो ये आएगा 166,000। 1,00,000, थैंक यू बेटा, भाई थैंक यू। 166,000 देख ले क्या आगे, 166,000 निकाले क्या ऐसे ही कर रहे हो? अरे भाई 100 100 को ऊपर ले जाओ, नीचे वो है ही, आगे 166,000 बधाई हो, तो सही है फिर 166,000 हो गया भाई। अब लेते हैं खाद एवं उर्वरक। तो भैया नाइट्रोजन देते हैं 100 से 120 किलो, फास्फोरस देते हैं 40 से 60 किलो, पोटास देते हैं 30 से 40 किलो, देखो देते हैं। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, किसी को ना 120 किलो, चलो 100 ले लो, किसी को 100 किलो नाइट्रोजन देनी है, मान लेते हैं देनी है, 2 हेक्टेयर उसका एरिया है, 2 हेक्टेयर उसका एरिया है, और उसके पास ना केन है, मान लो किसान खाद या केल से अमोनियम नाइट्रेट, तो केन की मात्रा कितनी आएगी निकालो देखे, देनी कितनी है 100 किलो नाइट्रोजन, और एरिया कितना है 2 हेक्टेयर, और किसान खाद है उसके पास केन, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ केन? देखो यहां तो सवाल लिखे नहीं, उससे पहले तो उत्तर आ जाते बच्चों के, सवाल लिखा ली उससे पहले तो बच्चों के उत्तर आ गए। ये है राजधानी पावर, दिस इज द पावर ऑफ राजधानी, सुपर पावर है, एकदम सही जवाब है 800 किलो करेक्ट जवाब बेटा, डायरेक्ट निकालते बच्चे। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, खुद ही सूत्र बना सकते हो, क्योंकि देखो केन में होता कितना है ये आना जरूरी है आपको। केन का मैंने जो पार्ट पढ़ाया था ना फर्टिलाइजर का, तो उस समय कहा था कि भैया 3 अक्षर के जिसमें नाम आते हैं ना, 3 अक्षर के, केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, 2 ऐसे उर्वरक आते हैं जिनमें 3 नाम आते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, तीन शब्दों वालों में 25% पाई जाती है नाइट्रोजन, 25% नाइट्रोजन होती है बेटा, 25%। अब 25% हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप सीधा ही कि भैया देनी कितनी आपको, 200 किलो हो गई ना, 100 और 2 हेक्टर के लिए कितना हो गया 200 देना आपको, 200 केजी हो गया ना, 100 × 2, अरे 100 देनी एक हेक्टर में और हेक्टर आपका 2 है तो 200 केजी देनी है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे कि मान लो होता कितना 25, तो अगर मुझे 25 ही देना होता तो कितना लेता मैं 100 किलो, 50 देना होता तो कितना लेता 200 किलो 50 के लिए, और 100 देना होता तो कितना देता 400 किलो, डबल नहीं होता क्या, 50 के लिए 200 तो 100 के लिए 400, और मुझे देना कितना है 200 किलो देना है तो 200 के लिए 400 का डबल कर दो 800। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप बिना सूत्र के भी, जैसे बच्चे डायरेक्ट ही निकालते हैं, इतना माइंड का विकास कर दिया गया है कि उनको किसी न्यूमेरिकल की या सवाल की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं नए बच्चों को, चूंकि अगर किसी को 25 केजी नाइट्रोजन देनी हो तो केन कितना लेगा, वो केन बराबर 100 किलो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, पड़ेगा भाई 100 किलो लेना पड़ेगा, तभी तो 25 किलो मिलेगा क्योंकि होती 25% है। अगर किसी को 1 किलो ही देना है तो ऊपर, ये इधर वाली संख्या हमेशा ऊपर रहती है, इधर वाली नीचे होती है, पांचवी क्लास की गणित की पांचवी प्रश्न वाले में सिखा देते हैं इसे। अब आपको देना कितना है, सर मुझे ना 2 × 100 देना है, यही तो है, या 100 × 2 देना, यूं कह दो 100 देना है लेकिन 2 हेक्टर में देना है, तो ये हमेशा इधर वाले को ऊपर ही रहने दो, 25 100 का 100 लिख दो, ये तो पहले लिखा हुआ है, ये संख्या भी वहां पर ऊपर जाती है, ये संख्या भी वहां पर ऊपर जाती है, तो 100 × 2 और वो पहले है ही 100। अब ये खुद ही फॉर्मूला ही बन गया, इन सबका मान लिख दो आप क्या क्या कहां कहां क्या लिख के आए हो। देखो 100 क्या था, सर 100 था नाइट्रोजन की दी जाने वाली मात्रा, तो इसका मतलब 100 की जगह क्या लिख देंगे अपन, दी जाने वाली तत्व की मात्रा, फॉर्मूला बन गया भाई, दी जाने वाले तत्व की मात्रा, रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट, राइट। 2 क्या था, सर आपने कहा था 2 हेक्टेयर में देना है, इसका मतलब 2 क्या हो गया एरिया, तो इंटू क्या आ गया इसके एरिया, क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में आता है इसमें, इंटू 100, ये 100 ना परसेंटेज वाला था, परसेंटेज वाला था, बटा 25 क्या था, सर आपने अभी तो कहा था 3 फर्टिलाइजर वाले में ना 25%, 3 नाम वाले फर्टिलाइजर में 25% नाइट्रोजन होती है, तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा उर्वरक में तत्व की मात्रा। अगर ऐसे आप कभी फॉर्मूला बनाओगे जिंदगी में भूलोगे नहीं, और ये सवाल तो आएगा चाहे आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे ICAR में बैठ रहे हो, चाहे आप जेट में बैठ रहे हो, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, अगर आपके कोर्स चल रहा है तो ये सवाल तो आएगा, राइट। अब लेते हैं सिंचाई कब करूं, कब करूं मैं सिंचाई, एक तो कर दे फुटाव होते समय टिलरिंग के टाइम, दूजी तू कर दे सिट्टे निकलते समय ईयर फॉर्मेशन, तीजी तू कर दे दाना बनते समय, बैटरी लो बेटा एक फुटान, दूजी सिट्टे निकलते समय, तीजी दाना बनते समय, राइट बेटा, दाना बनते समय, जलमांग मेरी बाजरे की जलमांग, 250 से 300 mm, यानी कि सबसे कम वालों में आती बेटा, सबसे कम वालों में आती है इसकी जलमांग, राइट है भाई। अब लेते हैं खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल, खरपतवार भैया नुकसान खूब करते हैं, 20 से 25% तक उपज इसकी कम कर देते हैं, 20 से 25% तक उपज कम कर देते हैं, कौन कौन से खरपतवार लेते लगते हैं, ले भाई ये सारे लगते हैं, एक तो लगता साठी, इसको ना साटा भी कहते हैं मारवाड़ी में, साटा, ट्रायंथेमा पार्टूला केस्ट्रम, इसको साटा भी कहते हैं लोग, साटा, इसका फोटो भी दिखाया था मैंने पीछे वाले में, जुआर में भी लगता है, एक केवई भी दिखा दिया मैंने,
डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, डिजिटेरिया से, नहीं स्ट्राइगा नहीं है, स्ट्राइगा अलग होता है, ये साटा है। स्ट्राइगा तो स्ट्राइगा स्पीसीज होता है बेटा, आगे आएगा वो। मकड़ा, मुकड़ो, मक तो बाजरा में भेजा है, मुकड़ो यो जी काय करा जी, मुकड़ो सब जानते हैं होता ना मकड़ा। अंजन घास, अंजन घास आपका जंगली धान ही बेटा, जिसको आप कहते हो इकाइनोक्लोवा कोलोनम, जो धान में ज्यादा लगता है। दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन होता है कि नहीं होता, होता है। और मोथा, चलो डायग्राम दिखाओ, ले भाई मन डायग्राम दिखा दो, ये श्याम जी का भजे नाम, ये ले, ये तो तेरो साटो है, साटो ट्राइएंथिमा पार्ट टू लेकेस्ट्रम, साटा ट्राइएंथिमा पार्ट टू लेकेस्ट्रम, साटा ट्राइएंथ होगा ना साटो, अरे ये होता है सभी के खेतों में, ट्राइएंथिमा पार्ट टू लेकेस्ट्रम होता है भाई, होता है। ये तेरी केवई, अबे रुक जा, ये रही केवई, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस केवई, इंग्लिश नाम भी है, किसी बच्चे को इंग्लिश में चाहिए तो, ये रहा रोड के पास में खड़ा है, डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस या केवई होता है। ये लो मकड़ा, ओ मुखड़ा क्या देख, वो मुखड़ा होता है, मुखड़ा दर्पण वाला, तो ये मकड़ा है, मकड़ा नहीं देखा, डेक्टेलोसेनियम एजिप्सिकम, एल ओ मुकड़ो ले, हाँ नागमणि लेके मानेगा ये मुकड़ो, सबका देखा हुआ ये जंगली दान, ले जंगली दान आ जा भाई, जंगली दान ये ले, जंगली दान कह दो या अंजन घास कह दो, हो गया। दूब घास नहीं देगी, ले दूब घास देख ले, साइनोडोन डेक्टाइलोन, अच्छा मोथू कौन देगा, ओले मोकत्यो, मोकत्यो देख ले ना न्यार है, मोकत्यो देख ले ना न्यार है, मोकत्यो हो गया, मोकत्यो इसके ट्यूबर्स, हो गया। स्ट्राइगा दिखाओ जी, स्ट्राइगा तो भूल गए, लाए नहीं, ओए ओए कहाँ रहा है, रुक गया चल, ओए बाहर ही निकल के आ रहा है यार, कब समझ ही नहीं रहा, हाँ मोकते हो ठीक है। अब लेते हैं रोकड़ी, नहीं जंगली चौलाई भी होती है, मेजर है बेटा, मेजर है, खूब होते हैं सारे, सारे खरपतवार तो यहां आ ही नहीं सकते, फिर तो पूरी खरपतवार विज्ञान आ जाएगी पूरी, ये तो मोटे मोटे बताए बेटा। ये आ गया स्ट्राइगो, दोबारा रिपीट करो, ले भाई एक बार दोबारा दिखाओ भाई, ये तो हो गया साटी, साटी बोले तो साटो रे बाबा, साटो बोले तो ट्राइएंथेमा पार्टुला केस्ट्रम, साटो हो गयो, एक केवई हो गया भाई, केवई डिजिटेरिया सेंगुइनेलिस, मकड़ा ये रहा मकड़ा, डेक्टाइलो डेक्टेलोसेनियम एजिप्सिकम, एजिप्सियम सॉरी, ये आ गया मकड़ा, अंजन घास या जंगली धान, ये रहा इकाइनोक्लोवा कोलोनम, दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलोन, हो गया। मोथा साइप्रस रोटंडस मोकत्यो, नेक्स्ट स्ट्राइगा,
अबे कहां आ रहा है तू, डरा रहा है मेरे को। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा बेटा, बाजरे का स्ट्राइगा। मैंने एक बार याद कराया था स्ट्राइगा को, रूगड़ी को, इसको रूगड़ी भी कहते हैं। स्ट्राइगा एक बार देख लेना, इसमें डालना भूल गए सर, कोई बात नहीं। देखो स्ट्राइगा को कैसे याद करते भाई, ये अर्ध जड़ परजीवी है। इसके लिए मैंने कहा था एक बार कि आप ऐसा करना कि यहां लिखना परजीवी, परजीवी, उसके दो भाग करना, पहले तना लिखना फिर जड़ लिखना मूल, फिर इसके दो दो भाग कर देना, एक करना पूर्ण, एक करना अर्ध या आंशिक अर्ध, इसके भी दो भाग कर देना पूर्ण, इसको आंशिक या अर्ध कर देना, और इनके नीचे लिख देना सी एल ओ एस, जिंदगी भर के लिए याद। सी बोले तो कसकूटा रे बाबा, कसकूटा बोले तो अमरबेल, अमरबेल क्या हो गया पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण कसकूटा अमरबेल क्या होता है पूर्ण, ये तो आएंगे एग्जाम में, इसको रोक नहीं पाएंगे आप, ये तो एग्जाम में आएंगे बेटा कि कौन सा परजीवी है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बेटा। देखो पूर्ण तना परजीवी कसकूटा, एल बोले तो लोरेंथस, अर्ध तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, ओ बोले तो ओरोबेंके, पूर्ण मूल परजीवी या पूर्ण जड़ परजीवी, एस बोले तो स्ट्राइगा, अर्ध तना अर्ध मूल परजीवी, तो क्या लिखा हो देखो अर्ध मूल परजीवी या अर्ध जड़ परजीवी, ऐसे याद करते बेटा, ऐसे याद करते हैं, ये परजीवी खरपतवारों को ऐसे याद करते सी एल ओ एस ए क्लोज। अगर आपको ऐसे बनाना आ गया ना भाई, पहले मैं तना लिखूंगा फिर जड़ लिखूंगा, तना ऊपर होता है जड़ नीचे होता है, फिर पूर्ण अर्ध और उनके नीचे सी एल ओ एस लिख दिया, लाइफ टाइम के लिए याद, लाइफ टाइम के लिए याद, ठीक है बेटा। खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, पेंडीमेथालिन ज्यादा डालते हैं, एट्राजीन से भी कर देते हैं, जस्ट लाइक मक्का और ज्वार। एट्राजीन कितना लेते हैं 1.5 केजी पर हेक्टेयर, अंकुरण से पहले करते हैं और ज्यादातर 71 से लेकर 96% तक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार खत्म। राइट राइट है भाई, वो क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अगर आप हाँ और करना चाहो तो 240 भी ले सकते हो, बुआई के 15 दिन बाद 240 भी डाल सकते हो चौड़ी पत्ती वालों के लिए, चौड़ी पत्ती वालों के लिए 240 आधा किलो, 240 आधा किलो लेते हैं है ना, 500 ग्राम पर हेक्टर लेते हैं। सीधे आ जाओ उपज पे, उपज पे तो बाजरे की उपज 15-20 क्विंटल कड़बी मिले 125-150 याद तो मन होगी रे, या तो मन होगी, 4 किलो बोया था 15-20 क्विंटल हो गया और क्या, जान लोगे क्या बेचारे की, 4 किलो तो बोया था आपने, 4 किलो बाजरा बोया था बस, 15-20 क्विंटल हो गया, कड़बी होगी 125 से 150 क्विंटल, ये आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। अब लेते हैं मेजर इंसेक्ट एंड पेस्ट, टक टक चिन 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 चिन, ले ले मुख्य कीट, सबसे पहला है शूट फ्लाई, शूट फ्लाई, शूट फ्लाई का नाम होता है एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा, शूट फ्लाई कितना हो गया, ओ क्या नाम हो गया, एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा, गण इसका डिप्टेरा है, फैमिली इसकी म्यूसीडी है, फोटो ये रही, ये रही, क्या डरावना कीट है, शूट फ्लाई है भाई, शूट फ्लाई, शूट फ्लाई, राइट। नर्सरी और बूट लीप अवस्था दोनों, मतलब नर्सरी में भी नुकसान करता है और बूट लीप जो स्टेज होती है वहां पर भी ये नुकसान करता ही, करता क्या है, शूट फ्लाई शब्द क्या है, शूट फ्लाई तो शूट का मतलब तने में घुसने का, सर भाई शूट क्या हो गया, पर्रो हो गया ना दादा, पर्रो हो गया, तना हो गया, उसके अंदर घुसने का और बीच बीच में से लार्वा ना खा जाएगा उसको, दैट इज डेड हार्ट, डेड हार्ट, डेड हार्ट, डेड हार्ट,
तो नर्सरी और बूट लीप स्टेज जो आती है वहां पर ये आक्रमण करता है और लार्वा बेटा, हाँ लार्वा का आक्रमण करने से इसका जो पर्रो है वो सूख जाता है, दैट इज योर डेड हार्ट, डेड हार्ट, डेड हार्ट, ये हालत हो जाती है। देख तमाशा बाजरे का, बीच में से खा गया पूरे के पूरे हर्ट को, जाइलम को खा गया पूरे के पूरे को, देखो कैसे फटाफटाई ऐसे घुस जाता है बेटा तने के अंदर, क्या बाकी छोड़ेगा तो ये, दिस इज योर डेड हार्ट, बीच में घुसने का हर्ट को खा जाएगा, बीच बीच वाले जाइलम को खा जाता है, क्लियर। अब कंट्रोल तो कराओ इसका, तो कुछ तो रोग रोधी किसमें, जिसमें नहीं लगता सूटा फलाई, जिसमें नहीं लगती एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा, नहीं लगती एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा, एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा। एक तो VL80 में नहीं लगता, VL80 बाजरे की ऐसी किस्म है जिसमें सूट फ्लाई नहीं लगती, सूट फ्लाई यानी एथेरिगोना एप्रोक्सीमेटा नहीं लगता, DMR5 में नहीं लगता, NCD में नहीं लगता, फिर केमिकल तो है ही हमारे पास, मिथाइल डेमिटोन 25 cc 500 ml पर हेक्टेयर, हो गया भाई। हो गया तो मिथाइल डिमिटोन 25 cc 500 ml पर हेक्टेयर। सफेद लट आई, सफेद लट आई, होलोट्रिकिया कॉन्सेन गुनिया, होलोट्रिकिया कॉन्सेन गुनिया, कोलेप्टोरा गण में आता है, मेलोर्सिडी फैमिली में आता है। सफेद लट नहीं देखी कभी आपने, ना गोबर में देखा होगा, कभी हल चलाते हुए एक लट निकल के आई होगी, सी आकार की होगी, उसका मुंह पीला पीला भूरा भूरा सा मुंह होगा, नहीं देखा होलोट्रिकिया कॉन्सेन गुनिया, नहीं देखा क्या, नहीं देखा, नहीं देखा, डटड़े मन लट तो दिखा दो ये होलोट्रिकिया कॉन्सेन गुनिया, कॉन्सेन गुनी, ये बोरा बन जाता है, ये बड़ा होके ना बोरा बन जाता है, बो बो। ये सबसे ज्यादा पसंद है इसको मूंगफली, बेबी को मूंगफली पसंद है, जब ये बोरा बन जाता है इसको बाजरा चाहिए, वो मूंग सॉरी बेर, 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 सबसे ज्यादा मूंगफली, इसको मूंगफली इसकी फेवरेट है, काजू कतली है मूंगफली, जैसे ही फल मूंगफली की फसल मिली जड़े काट देती है, खट 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 सब ज्यादा काटती है, बाकी तो खरीफ वाले सबको नुकसान करती है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो एक बोरा टाइप में बन जाता है, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, उसको बेर पसंद है, बेर बेर बेर, हाँ आज की लट कल का बोरा, बोरा भी कभी लट थी, बोरा भी कभी लट थी, ये ठीक है बेटा, जड़ों को काट देता खतरनाक तरीके से लट्टी, ये रहा, तो जड़ों को नुकसान करने वाला होता है ये। कंट्रोल उससे पहले देखो जड़ों की, देख तेरी बाजरे की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया, कौन वाइट ग्रब, हाँ घींगला बन जाता है वो, ये कितना बदल गया वाइट ग्रब, देख तेरे बाजरे की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया वाइट ग्रब, सफेद लट देखो कैसे कर दिया, नाश कर दिया बेचारे को, यूं आ जाएगी फसल में, सट सट ही खड़ के आ जाएगी। तो कंट्रोल करते हैं 4-8-10G से, ये 10G कौन है, 10G 10% केमिकल है, G4 ग्रेन्यूल्स, इसको 15 kg पर हेक्टर की दर से बुआई के टाइम उपयोग करते हैं। मन दिमक दिखा दो ये मोटी सार की, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस टर्माइट दिमकड़ी, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस टर्माइट, टर्माइट, हाँ कितना बदल गया वाइट ग्रब, टर्माइट दीमक, हालांकि इतनी बड़ी नहीं आती, छोटी सी आती, दीमक तो सबकी देखी होगी, उदय उदय राइट, और यहां पर आइसोप्टेरा, इसकी इसका ऑर्डर हो गया, फैमिली होगी टर्मेटेडे, टर्मेटेडे। सूखे मौसम में जड़ों को ज्यादा नो, दीमक एक ऐसा कीट है, दीमक एक ऐसा कीट है, उड़ती है ना, शुरू शुरू में पंख वाली होती है, बाद में पंख गिर जाते हैं इनके, दीमक एक ऐसा कीट है जिसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, सिंचाई करो दीमक का प्रकोप कम, सिंचाई करो दीमक का प्रकोप कम, राइट है भाई,
ये क्या करती है, ये कहीं भी कोई तनाव वना होता है उसमें घुस जाती है, जड़ों में घुस जाती है, उसके बाद काली काली सी ना वो, उसके बाद मिट्टी सी लगी रहती है, जैसे हम उस मिट्टी को हटाते हैं दीमक निकल के भगती है भाई, भगती है, सूखे मौसम में नुकसान करती है, सिंचाई करने से इसका प्रकोप कम हो जाता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कीट है जिसको पानी देने से, सिंचाई करने से उसका प्रकोप कम हो जाता है। हाँ, सूखा इसको ठीक लगता है, पानी दिया इसका प्रकोप कम कम हो जाता है, राइट। आ जाओ, ये है दीमक, देखो कैसे निकल रही है, जर से निकली जा रही है, बाजरे के आसपास से खाती रहती है, सूखे मौसम में ज्यादा नुकसान करती है। कंट्रोल के लिए कोई भी आप भूमिगत कीटों को मारने वाले केमिकल्स लाइक क्लोरोपाइरीफॉस, क्यूनोलफॉस, ये ले सकते हो आप। तो क्लोरोपाइरीफॉस से बीजोपचार कर सकते हो, 4 ml पर kg, अंडे देने की मशीन है, बिल्कुल सही बात है। ये तो यहाँ, ये ऐसा कीड़ा है जो खेत में भी लगता है। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कीट जो खेत में भी लगता है और भंडारण में भी लग जाता है, कीट खेत में भी लगता है और मतलब फसल में, खड़ी फसल में भी लगता है और बाद में भंडारण को भी नहीं छोड़ दिए, ऐसा दीमक है। कौन सा मक है? दीमक। एक कातरा, कातरा है, कातरा कातरा, एमसेक्टा मोरी कातरा, एमसेक्टा मोरी कातरा, कातरा रे कातरा, एमसेक्टा मोरी कातरा का। ये कातरा में क्या, इन्होंने फोटो दूसरी डाल दी, तो एडल्ट है, कातरे का कभी एडल्ट नुकसान नहीं करता है। कातरे का अडल्ट नुकसान नहीं करता, कातरे की तो कातरा ही नुकसान करता है, कीड़ा आता है बाड़ों वाला, राइट है, वो ही नुकसान करता है बेटा, ठीक है। तो एमसेक्टा मोरी इसका नाम है, लेपिडोप्टेरा फैमिली में आता है, आर्किटिडी इसकी फैमिली है और ये अडल्ट है, अडल्ट कभी भी फसल को नुकसान नहीं करता बेटा एमसेक्टा मोरी का। ये तो केवल संतानें पैदा करता है और उनसे कातरे निकलते हैं, अंडे फूट के कातरे आते हैं, वो कातरे खाते हैं, याद ही ऐसे करते हैं। हाँ, कातरे का लार्वा, जो लार्वे निकलेंगे ना, कातरा लार्वे को बोलते हैं, कातरे का लार्वा फसल का बारवा, कातरे का लार्वा लट्टे या लार्वा ही खाता है बेटा, कातरे का लार्वा फसल का बारवा, अडल्ट नहीं खाता कभी भी, अडल्ट बहुत समझदार बोला जीव है, किसी की कोई राम दुआई में ही नहीं रहता है ना, खाने वाला तो एक ही, इसका लार्वा, कातरे का लार्वा या लट्टे और फसल का बारवा, तो केवल लट्टे ही नुकसान करती है तने को और पत्तियों को। ये भी क्वेश्चन है, कातरे का लार्वा फसल का बारवा, राइट। कंट्रोल, मिथाइल पैराथियन 2% धूली, धूली हमेशा डालते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, धूली जो लेते हैं ना पाउडर किसी भी कीटनाशी का, वो कितना लेते हैं 25 kg प्रति हेक्टेयर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तना छेदक में कई बार पहले पढ़ा चुका हूं, चीलो पार्टेलस, कीलो या चीलो पार्टेलस, नहीं ये कातरा स्टोरेड नहीं होता है, कातरा तो केवल खड़ी फसल को नुकसान करता है बेटा, उसका लार्वा ही करता है बस। कातरा तो मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, इसको बहुत लंबा चौड़ा एकदम परफेक्ट, कभी आपको पढ़ना हो तो कातरा डालना, रेड हेरी कैटरपिलर कहते हैं अंग्रेजी में, रेड हेरी कैटरपिलर, आगे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप डालना, आ जाएगा आपके सामने पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, राइट। तो तना छेदक चीलो पार्टेलस, ये पहले ऑलरेडी आ चुका है, मक्का में भी लगा था, ज्वार में भी लग चुका है, गण इसका वही लेपिडोप्टेरा है, कुल क्रेम्बिडी है, ये भी डेड हर्ट करता है, घुस जाता है अंदर, ये डेड हर्ट आ गया देखो, घुस जाता है तने में, कर दे तने को खोखला खोखला खोखला। हाँ, बेबी को मूंगफली पसंद है, वो लट में आता है, लट में काजू कतली है, ठीक है भाई। और ये तना छेदक आ गया, ये भी क्या करता है, डेड हर्ट कंट्रोल करवा दो डेड हर्ट का, ये ऐसे करता है देखो कोगले, बिल्कुल इसको फाड़ो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता भाई, ये स्टेम बोरर है, स्टेम बोले तो तना, बोरर बोले तो छेदक, घुस के अंदर से खा जाता है, तो कंट्रोल तो करवाओ। तना छेदक के लिए तो अपांटेलस फ्लेवस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जब जेट के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भैया बोलवर्म का नियंत्रण एक ट्राइकोग्रामा से करते हैं, तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि तना छेदक का नियंत्रण अपांटेलस फ्लेवस से करते हैं या कोटेसिया फ्लेवस से करते हैं, या फिर कार्बेरिल डब्लू 50 WP भी ले सकते हैं आप, 2 kg पर 100 ग्राम
लीटर सॉरी पर 100 लीटर वाटर में गोल के, या फिर वही अंड परजीवी इसमें भी ले सकते हैं ट्राइकोग्रामा केलोनिस, ट्राइकोग्रामा केलोनिस, किलोनिस केलोनिस ये की बात है। इसके डायलाग लेते हैं, इसमें डायलाग ट्राइकोग्रामा कीट लेते हैं भाई। ट्राइकोग्रामा क्या होते है? ऐसे आते हैं कार्ड, आते हैं उस कार्ड पे लगे रहते हैं कीड़े। ट्राइकोग्रामा है क्या? ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी कीट होता है, एग पैरासाइट होता है, एग पैरासाइट। एक बात, ट्राइकोग्रामा मार्केट में मिलता है कार्ड के रूप में, उस कार्ड को कहते हैं ट्राइको कार्ड। एक ट्राइको कार्ड पे आते हैं 16,000 से 20,000, ये एक कार्ड मार्केट से लेके आओगे इस पे ट्राइकोग्रामा लगे हुए, इस पे लगे होते हैं 16,000 से लेके 20,000 तक ट्राइकोग्रामा लगे होते हैं। जैसे जैसे आपको ना उसमें राइजोबियम जो आता है ना पैकेट्स के रूप में आता है, पैकेट पैकेट के रूप में आता है, पैकेट के रूप में, वैसे ट्राइको ट्राइको कार्ड है ना बेटा, वो ट्राइकोग्रामा है, वो कार्ड पे लगे हुए आते हैं। और एक कार्ड पे 16,000 से 20,000 ट्राइकोग्राम आते हैं। एक बच्चे तो रेट भी लिख रहे हैं कि सिर्फ 30 रुपये का आता है कार्ड, ये तो और ही अच्छी बात है। अब आपको डायलाग के लिए कितने कार्ड खरीदने पड़ेंगे? डायलाग के लिए तो डायलाग के लिए कितने कार्ड हो जाएंगे बताओ भाई, बोलो, कितना इजी है। अगर आपको 20,000 देना है तो 1,00,000 के लिए 5 कार्ड हो गए, 2,00,000 के लिए 10 कार्ड हो गए, और 2,50,000 के लिए हो गए 12.5 कार्ड। 12.5 नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं 10 कार्ड नहीं हुए सॉरी 5 कार्ड, हाँ 5, 5, 10, 12.5 हो गए, ठीक है बेटा। बहुत क्वेश्चन कराए, इतने क्वेश्चन कराए जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार बच्चों का सिलेबस होने दे, ठीक है बेटा। थैंक यू आपकी सलाह के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। 12.5 हो गए ना, तो अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा केलोनिस इसके कितने कार्ड लेते हैं बेटा? 2,50,000 प्रति हेक्टेयर, या फिर कोटेसिया फ्लेविस के लेते हैं 50,000 प्रति हेक्टेयर। हो गया, हो गया। टिड्डा देखो तो कौन आया, टिड्डी, टिड्डा नहीं है टिड्डी, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इसके सारे के सारे, इंपॉर्टेंट बेटा। टिड्डा या लोकस्ट, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, गण आर्थोप्टेरा, कुल आर्किटिडे। ठीक है, इसकी सेकंड से लेके फिफ्थ स्टेज, टिड्डे की क्या स्टेज आती है बेटा? दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था। तो दूसरी से लेके पांचवी अवस्था जो आती है ना टिड्डे की जीवन चक्र की, वो ज्यादा नुकसान करती है टिड्डे। सब ने जानते हो टिड्डी तो अभी तो खूब आई हुई है। कंट्रोल मेलाथियन 5% पाउडर, और पाउडर आते ही, पाउडर आते ही 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बस मन टिड्डी लाइन सू देख ले भाई, देखा खूब सारे देख ले श्याम, अरे देख तो ले तो बस जना, अरे तो देख तो ले भाई कितनी टिड्डियां लगी पड़ी है, खूब सारी टिड्डियां लगी पड़ी है, राइट। आप पढ़ाते तो हो लेकिन आपका मोटिवेशन ज्यादा अच्छा लगता है, फिर पढ़ाना छोड़ देता हूं मैं तो, मोटिवेशन पकड़ लेता हूं भाई। अरे पढ़ाने का भी कभी क्लास लेना, आंखों में पानी आ जाएगा, कहाँ आज तक मैं चला गया था, कहाँ पढ़ के आ गया, और मेरे को कितना आता है, इन बच्चों को कितना आता है। जिस दिन आओगे ना तब पता लगेगा बेटा, वो जिस दिन आओगे उस दिन पता लगेगा कि मैं कहाँ घूम रहा था इतने दिन, इतने चैनल देख के आ गए, हे भगवान कहीं का ही नहीं रहा। रिजल्ट में पता लगता है ये बच्चों को, ये आते ना भाई क्वेश्चन करा दो और मेरे है ना मेरे को चाय पिला दो, और ये बाद में लेट हो चुके होते, लेकिन लेट हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा। चलो बेटा कोई बात नहीं, थैंक यू। स्टिंक बग, स्टिंक बग लगता है बेटा, नेजारा वेरेडोला, गण हेमिप्टेरा, कुल पेंटाटोमिडी। हो गया,
कीड़ों दिखाओ। आज तक आपने ऐसा कीड़ा देखा नहीं होगा। क्या कीड़ा बनाया बनाने वाले उस परम पिता ने, उस खुदा की नियामत देखी, क्या बना डाला उसने। ये बच्चों को एक्चुअली बताऊं क्यों बढ़िया लगती है कुछ और क्लासे, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। एक दिन में तो भैया दो दो तीन तीन पजले पढ़ा देते, तो बच्चों को लगता है मजा आ गया, मजा आ गया, क्या पढ़ाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते, सच्ची में नहीं आते। देख लेना आप जेट में, जेट में देख लेना क्या हालत हुई है लोगों की। क्या हुआ है, रोवो तो मजदूर नहीं, रोवो तो मजदूर ही नहीं, मिल ही नहीं रहा कोई। कोई बात नहीं, खैर अपनी अपनी वो पर्स वो है। आ जाओ मेजर डिजीजेज, डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग, डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। थैंक यू। हाँ कोर्स पूरा हो जाता है, क्वेश्चन भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते, बस इतना ही फर्क है। तो डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये रहा डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग। ये मृदा से भी फैलता है, बीज से भी फैलता है, देखा होगा कभी आपने, बाली के दाने है ना, बाली के दाने, वो सारे पत्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वृद्धि कम हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं इसको, कहते हैं ना भाई हरित बाली का रोग, दूसरा नाम डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू क्या विशेषता होती है पता आपको, धरती पे जब जब कोई आपको डाउनी मिल्ड्यू पूछे तो ये मान लेना कि पत्ती के ऊपर कोई रुई जैसी कवक लगी पड़ेगी, मिलेगी रुई जैसी कवक, रुई जैसी कवक, जैसे रुई लगी हो ना ऐसी फंजाई लगती है बेटा, कोटन इसको बोलते हैं, कोटनी फंगल ग्रोथ, वो मिलेगी आपको। और हरित बाली का नाम क्या हो गया, बाली हरी हो गई, उसके दाने उग गए, दाने उग गए बेटा, ठीक है। दाने उग गए बेटा, ठीक है। तो ये रोग बेटा मृदा और बीज दोनों से फैलता है। शुरू शुरू में क्या होता है, ज्यादा नमी वाले स्थानों पे क्या होती है, जो पत्तियां होती है बाजरे की है, उसकी वृद्धि कम हो जाती है। दोबारा सुनना, एक तो डाउनी मिल्ड्यू के दो मोटे करैक्टर है, कोटनी फंगल ग्रोथ यानी कि रुई जैसी फंगस मिलेगी, और एक उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ये डाउनी मिल्ड्यू के दो ही मोटे करैक्टर है। धरती पे जब जब डाउनी मिल्ड्यू शब्द आए ना, तो ये मान लेना रुई जैसी कवक मिलेगी, वृद्धि रहेगी कम। डाउनी मिल्ड्यू वर्ड आ जाए तो रुई जैसी कवक मिलेगी, रुई जैसी कवक मिलेगी, वृद्धि रहेगी कम, ठीक है बेटा। तो ये कौन है भाई, बेटा आराम करो ना, रेस्ट करो बेटा, सो जाओ। जब किसी का बुरा वक्त होता है ना, बुरा वक्त काल, उसको समझ में नहीं आता, गलती आपकी नहीं है, वास्तव में नहीं आता। जैसे किसी बच्चे का बुरा टाइम हो ना, बुरा टाइम हो, तो उसके घरवाले उसको बहुत समझाते हैं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। उसके बाद में उसके जब लगता है ना, उसकी आंखें खुलती है, उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसलिए नहीं आएगा, बुरा वक्त जिसका चल रहा है उसको नहीं आएगा समझ में। और ये फास्ट करवा दो, ये बेटा और कहीं जाना पड़ेगा आपको फास्ट। धरती पे इससे ज़्यादा कोई फास्ट कराने वाला मिल जाए तो मेरे को फ़ोन कर देना, जिसमें बाजरे की इतनी पूरी डिटेल, इतने कम टाइम में पढ़ाने वाला कोई ब्रह्मा जी मिल जाए ना, ब्रह्मा जी, तो मेरे को फोन करना, और फिर उसमें से कितना सीखा है ये मेरे को बताना। कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई, कहाँ जी रहा है, फास्ट कर करके तो आज तक वहीं का वहीं बैठा है, वहीं बैठा बेटा, आगे नहीं बढ़ पाया आज तक। चले कोई बात नहीं, तो मिट्टी, और मैंने दोबारा बता रहा हूं आपको, दोबारा सुनना बेटा, अगर कभी डाउनी मिल्ड्यू वर्ड आ जाए तो कोटनी फंगल ग्रोथ, एक, दूसरी वृद्धि कम। लेकिन इसका दूसरा नाम हरित बाली रोग भी तो है, तो जो बाली होती है ना, दंगी बाली, उसके दाने ना पत्तियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्तियां बढ़ जाती है, हरी हो जाती है। तो पहली स्टेज में तो क्या हो रहा है, इसके अंदर
पहली स्टेज में हो रहा है, ये पहली स्टेज दूसरी स्टेज, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी खतरनाक बेटा। देखो आप पहली स्टेज में क्या रहा है, अधिक आर्द्रता वाले स्थान में बाजरे की जो पत्तियां होती है उस पर मिलेगी आपको कवक की डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ या कोटनी फंगल ग्रोथ, एक ही बात है। बाद में बाली जो है ना, बाली दंगी जिसको अपन सिट्टा कहते हैं, सिट्टा, वो पूरा पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्तियों में, राइट, पत्तियों में, इसीलिए इसको बोलते हैं हरित बाली रोग। आओ कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने के लिए एप्रोन एसडी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, एप्रोन एसडी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो बीज 6 ग्राम एप्रोन एसडी, इसको ना बीजोपचार कर लो, या तो या फिर मैंको जेब का 2% 2 केजी पर हेक्टर के हिसाब से कर दो छिड़काव, ये बेटा बीजोपचार है। जब भी ग्राम केजी आता है ना वर्ड, तो ये मान लेना बीजोपचार है। तो एप्रोन 6SD 6 ग्राम पर केजी, 1 किलो बीज के लिए 6 ग्राम लेते हैं, उसके बीजोपचार कर दो, या फिर मैंको जेब का 2 केजी पर हेक्टर का कर दो छिड़काव। कुछ रोधी किसमें है, राज 171 डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, HHB 67 में डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, WCC 75 डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, CO7 CO9 दोनों में ही डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, नहीं लगता। अर गटर है मारा, ये याद करना भाई, ये किसमें याद करना बेटा, कौन कौन सी, राज 171 डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, या ग्रीन ईयर नहीं लगता, ग्रीन ईयर डिजीज, राइट, HHB 67 रे डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता, WCC 75 डाउनी मिल्ड्यू नहीं लगता। थैंक यू, सही कह रहा है, ये रिसर्च है, ये बेटे का रिसर्च है, सही लिखा है इसने। देखो आप लाइनें पढ़ो ध्यान से, इस बच्चे की लाइन पढ़ो, कितना शानदार रिसर्च किया इसने, ये रिसर्च है वास्तव में, सही कह रहा है। उनको लगता है कि मैंने कर लिया, आता जाता कुछ भी नहीं है जल्दी करने वालों को, सही कह रहा है। राज 171 HHB 67 WCC 75 CO7 CO9 अर गटर मारा 20% नमक गोल रहा है। अरगट जानते होंगे आप, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस कवक, सुनना बेटा, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस कवक, राइट, और नंबर 2 पे आता है कॉपर की कमी, कॉपर की कमी, हां कॉपर की कमी भी है, हां भाई। देखो आप सुना कभी, ये बीज से होता है, बालियों में गोंद निकलता है, सैद, गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, ऐसा जाने वो कैसा निकलता रे, ऐसा निकलता है, दाने वो निकलती है और उस पर लग जाती है फंगल, काली काली फंगस, मतलब लग जाती क्या, फंगस ही होता है, ये फंगस से ही होता है, राइट भाई। देखो तो बीज जनित रोग है, बीजों में होने वाला रोग है, एक बात, जो बाली होती है ना सिट्टो, उसमें से निकलता है गुलाबी रंग का शहद या गोंद जैसा पदार्थ, गुलाबी रंग का शहद या गोंद जैसा पदार्थ, सूखने पे हो जाएगा काला काला, और इसके अंदर रहते हैं अर्गोटीन या स्क्लेरोसियम, फंजाई का कौन सा भाग रहता है, मतलब फंजाई रहती है जिसका स्क्लेरोसियम या अर्गोटीन, वो बन जाता है, देख लो आप। तो बीज जनित रोग है, बालियों में से गुलाबी शहद जैसा पदार्थ निकलता है, सूखने पर काला पड़ जाएगा, कठोर हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उस सूखे हुए काले कठोर भाग को क्या बोलते हैं फिर, स्क्लेरोसियम या अर्गोटीन बोलते हैं। कंट्रोल, अर्गटर मारा 20% नमक घोल रहे, अर्गटर मारा 20%, हाँ अंजन घास करेक्ट है। कार्बेंडाजेम 500 ग्राम का छिड़काव कर सकते हो, हो गया। काग्यो आयो, काग्यो स्मट डिजीज, टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी किसी कवक से होता है, टॉलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी, ये रहा, ये मिट्टी से होने वाला है, अर्गट रहे मारा, अर्गट में 20% नमक गोल लेते बेटा, ये मृदा से होने वाली बीमारी है,
इसमें क्या होते हैं, दाने हरे हरे और गोल गोल हो जाते हैं, बड़े बड़े आकार के फूल जावे दाना। कभी देखना बाजरे के अंदर, बाजरे में कभी कभी क्या होता है, कुछ दाने फूल जाते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा निकल जाते बाहर, फूल जाते बेटा, और बाद में काला चूर्ण बढ़ जाता है उनमें। तो मर्दोड रोग है, सॉयल बॉर्न डिजीज है बेटा, मिट्टी से होने वाला है। दाने गोलाकार बड़े हो जाते हैं, दाने साइज में बड़े हो जाएंगे और बाद में काले काले चूर्ण से बढ़ जाते हैं। देखो देखो देखो, पूसम होती पूसम होती, कंड से ये तो कभी न रोती। पूसम होती में नहीं लगता है, पूसम होती इसमट से ये कभी न रोती। पूसम होती स्मट डिजीज है, पूसम होती इसमट से ये कभी न रोती। पूसम होती में नहीं लगता है, पूसम होती इसमट से ये कभी न रोती। हाँ, पकते समय होता है, बरसात से होता है, अर्गट भी ऐसे होता है, पकते टाइम नमी ज्यादा होगी तो फिर वो अर्गट भी हो जाता है। विटामैक्स 0.25% का छिड़काव कर दो। हाँ, इसमट से कभी ना रोती, पूसम होती इसमट से ये कभी न रोती। पूसम होती इसमट से ये कभी न रोती। रस्ट देखो रे भैया, रस्ट है ये आगे, रस्ट होती है हमेशा पक्षीनिया से। पक्षीनिया कौन सा, पेनिसेटम ग्लूकम्स, तो पेनिसेटी। रस्ट हमेशा क्या होती है, रस्ट में भैया जिंदगी में कभी भी रस्ट हो जाए ना, टाइम हो गया बस पूरा हो गया। रस्ट में क्या होते हैं, हमेशा जंग के जैसे डब्बे आते हैं, तो ये पक्षीनिया पेनिसेटी से होती है। और इसमें ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कवक याद कर लेना। और ये बाजरा हमने एक ही क्लास में पूरा कर लिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। थोड़ी ही देर में कम बैक कर रहा हूं एनिमल हस्बेंड्री के साथ। पक्षीनिया तो वैसे पक्षीनिया से होती है, तो गेहूं में काली रोली नहीं होती, काली थारा तीन नाम, पक्षीनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिस आई, बुरी कोंडेटा है, पक्षीनिया रिकोंडिटा, बुरी किसे होती है, पक्षीनिया रिकोंडिटा, और पीली होती है पक्षीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पश्चूल बनते हैं। यस, बाजरो तो पूरो हो गयो रे बापो। अब मैं थोड़ा ऊंट पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन लेता हूं, कौन सा देखते हैं, और बस आए रहूं थोड़ी देर में, ठीक है बेटा। वीट में तीन रस लगती है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट 5 मिनट वापस आ रहा हूं, लिंक डली जाएंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सब। एग्रीकल्चर में है शानदार करियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेट 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेट सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक तीन विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी, और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी,
97% अधिक लाने वाले, 19 विद्यार्थी 90% अधिक लाने वाले, 163 विद्यार्थी 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी, ICR, ZED, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11, 12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध, 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, ZED, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, ZED, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdhanigroup.in, हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314। एग्रीकल्चर